हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कानू पारिक में। गांव दिवराला में 108 कुंडलीय श्री राधेश्याम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनेकों संतगण और ग्राम निवासी सभी हिस्सा ले रहे हैं। और अभी आज भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जो सभी ग्राम निवासी और संतगण ग्राम पंचायत दिवराला में एकत्रित हुए हैं। यहाँ से भागवत कथा को लेकर यज्ञ पांडाल में पहुंचेंगे और फिर भागवत कथा स्टार्ट होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, श्री अमृत राम जी महाराज, जिनके मुख से ये भागवत कथा का वाचन होगा, पहुंच चुके हैं। और भागवत कथा को लेके श्री किशनदास जी महाराज, जो कि दिवराला गद्दी के पीठाधीश्वर हैं, इनके सानिध्य में 108 कुंडलीय श्री राधेश्याम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो दिवराला के सरपंच श्री रामावतार जी सैनी द्वारा इनको माला पहनाकर स्वागत किया गया। और यह दिवराला के उप सरपंच श्री मूलचंद जी जाट, इनके द्वारा गुरुजनों का माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। किशनदास जी महाराज को पगड़ी पहनाई जा रही है। तो सभी गांव की जनता में एक उत्साहपूर्ण माहौल है। और अभी कुछ ही समय में यात्रा निकलेगी, जो ग्राम पंचायत दिवराला से लेके यज्ञ पंडाल में पहुंचेगी। यह मूलचंद जी जाट, जो कि ग्राम दिवराला के उप सरपंच हैं, इनके द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है। यह रामावतार जी सैनी, जो सरपंच हैं दिवराला ग्राम के वर्तमान, यह किशनदास जी महाराज, जो भागवत को लेके कुछ ही समय में यज्ञ पंडाल में पहुंचेंगे। और फिर श्री अमृत राम जी महाराज, जो कि आप देख रहे हो, उनके श्रीमुख से भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चल रहे हैं हम यज्ञ पंडाल की ओर। बहुत ही भव्य यात्रा निकाली जा रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी भव्य यात्रा, जिसमें गांव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी उत्साह से भाग ले रहे हैं और सभी नृत्य में भाग ले रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बहुत ही आनंद खुशी का माहौल है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेन हाईवे है दिवराला का, उससे होती हुई यात्रा यज्ञ पंडाल में पहुंचेगी। काफी भव्य यात्रा है। डीजे के साथ
काफ़ी लंबी भव्य यात्रा निकाली जा रही है जो श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होगी। जैसा कि आपने दो दिन पहले देखा था कलश यात्रा का वीडियो जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसमें भी काफ़ी विशाल और भव्य यात्रा निकाली गई थी जिसमें संतों द्वारा अनेकों प्रकार के नृत्य कर्तव्य का आयोजन किया गया था और पूरा हाईवे आपको वीडियो में दिखाया गया था। और देखिए वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाइए और वीडियो देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, पहुंचने वाले हैं हम यज्ञ पंडाल में। पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स हम यज्ञ पंडाल में, श्री राधेश्याम महायज्ञ में। आज से भागवत कथा आयोजित होगी जिसमें श्री संत अमृतदास जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और पधार के कथा का आनंद लें। पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स यज्ञ पंडाल में और अब यज्ञ पंडाल के परिक्रमा करेंगे। तो गुरुदेव यज्ञ पंडाल के परिक्रमा करते हुए
वे पांडाल परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अंदर की ओर। आपको पिछले वीडियो में मंदिर का अंदर से दर्शन करवा दिया था, तो अभी चलते हैं फिर से एक बार अंदर की ओर। नाइट व्यू आपको दिखाया था कैसा है, और बहुत ही भव्य नज़ारा है नाइट का। देखिए फ्रेंड्स आप, अब पहुंच गए हम अंदर की ओर। सभी संत शिरोमणि मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ये मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए अब चलते हैं पांडाल की ओर, जहां पे भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स सामने की ओर जो पंडाल है, उसमें भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। सभी श्री अमृत राम जी का बेसब्री से इंतजार करते हुए, और वो घड़ी आ चुकी है जब पहुंच चुके हैं हम पंडाल में। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल जयकारे लगाते हुए सभी आते हैं। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपन लोग सब नीचे हैं, ऊपर मंच के ऊपर है, महाराज जी बिराजेंगे, और जो भी संत महात्मा है वो ही ऊपर जाए। बाकी आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपन सब नीचे बिराजे और भागवत कथा का आनंद लें। श्री महाराज श्री भागवत कथा को प्रणाम करते हुए और भागवत को दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भक्तजन बहुत ही भाग्यशाली है। महायज्ञ में यहाँ हम आनंद ले रहे हैं, और अपने बीच में अमृत राम जी महाराज जो कि प्रमुख भागवत कथा वाचक हैं, अपनी गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं, और अब कुछ ही पल में भागवत कथा आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भागवत कथा का आनंद लें। फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।
उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।